जितनी हो सकती है साड़ी मदद करो, साड़िया लैड बाड़िया कोशिश करो, साड़िया लैड बाड़िया वतन पहुंच जान, असी उन्हें अच्छी दफना लीजिए। इनको जो एजेंट है वो भी मंडी बोलदीन का ही है, उसका बताया जा रहा है ये मंडी बोलदीन पहाड़ियाँ वाली के साथ एक जो है गाँव ना हो गया ना पूरे पिंड का ना ही सारी जिंदगी कसल पूरी हो सकती है। नजरीन आप देख रहे हैं पी एन एस 24, मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली। नजरीन आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लगे हुए यहां पे सैकड़ों की तादाद में जो है वो नौजवान जहां बाक हुए हैं और अभी हम बुर्ज घनिया में मौजूद हैं। ये मंडी बोलदीन का नवाई इलाका बुर्ज घनिया है और यहाँ पे चार बच्चे उस सानिया में जो है वो यहाँ के जो है चार नौजवान यहाँ जहाँ के इस गाँव के भी जो है जहाँ बाक हुए हैं। अभी यहाँ पे पूरा गाँव जो है वो सो के आलम में है और अभी हम तमाम तर तफसीलात जो है वो यहाँ पे उनके जो अलवाकिन हैं उनके दोस्त हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जुड़े हमारे साथ। इस वक्त मैं बुर्ज घनिया में मौजूद हूँ और एक अफसोसनाक वाकया जो है वो लीबिया में पेश आया है, तो अभी हमारे साथ एक भाई मौजूद है। मैं चाहूँगा कि ये हज़ारे ख्याल करें और बताएं तमाम तार तफसीलात और उन लड़कों के बारे में बताएं वो कौन थे, उनके नाम क्या थे और जो मजीद तफसीलात हैं और इनके मुतालबात क्या हैं। जी बताइएगा। जी उनका नाम है साडे पिंड का आबद साहब तरल, गुलाम बस गोंदर साहब अपना, आबद चट्ठा साहब अफजल तरल साहब। अगे जिस वे बंदियां उत्थे पिछली पहुंच के गल करनी है जी, उस वे फिर उस बाकी पैसे चाने आने, पैसे गवान दीते आने सन। उस जड़ा ना एक तरखान लड़का है, एजेंट का बंदा है लीबिया, उस सन टेलीफोन किए ने एजेंट पैसे लड़े ने, उन्हें साढ़े जिल मुतमिन नहीं होया। कोई मुण गल्ला मुख चलन लग पी ने, कोई पता लग गया कि लांच डुब गया। ठीक है असी चुप रहे हैं, मत इत साढ़े दो बंदे गए ने भाई साढ़े व्डे यरशल। अच्छा तो जी गल हुई सी उन्होंने की हुई सी कि असी जरा बाई एयर भेजांगे या शेप की की गल हुई सी वो जरा उन्हें सामने पेश आया जी। और ये गल हुई है जेंट साहब की साजिद बलैर की, तो मैं इतों लीबिया ला दा 13 लाख रुपया। ठीक है लीबिया तक लीबिया मैं बंदे खड़ा ला बाई एयर, उस अगे बंदे खड़ा ला मैं लांच, उत्ते लांच छोटी नहीं आने लगी वा बेड़ा होगा। ठीक है वह छोटी लांच हुई उसका मैं जिम्मेदार हो सांच अपना 300 बंदे 300-250 वाले उ बंदा बाया 700। ठीक है वह भी इस गल कूड़ा हो गया। फिर बंदे घर गए ने जितों का है वो घर गए ने, उस जिंदे मार के अपना चला गया इस्लामाबाद। उतना तक सामने आप कोई रबता नहीं किया जितने तक वो अपना किसी मूल जगह से नहीं हो रहा। फिर अज वो खबर आई है वो कराची वाई अड्डे से फसीता है। इस सिलसिले जी फसीता है जी, इस सिलसिले फसीता है जी बिल्कुल। की मुतालबा करते हो घूमते वक्त ना? जी घूमते वक्त ना मुतालबा साडा ही है, उजड़ तो सारा पिंड गया ये को नहीं, बा अनवर साहब उजड़िया या अरशद साहब उजड़िया या सजाद साहब उजड़िया। ठीक है या होर कोई, ये सारा पिंड उजड़ गया। ये सारी जिंदगी तक जिस जिन्हें साढ़े बच्चे भी आने वाली नस्ल भी या गल सुन। चारों लड़के शादीशुदा से? जी शादीशुदा सन। कितने के बच्चे जरा जी? इन्हों के किसी के दो बच्चे ने, किसी 3 बच्चे ने, किसी का 1 है। ठीक है छोटे छोटे बच्चे ने ते अपना कमाने वाले नहीं। ना हो गया ना पूरे पिंड का ना ही सारी जिंदगी कसल पूरी हो सकती है। मुतालबा साडा घूमते नाल ही वजीर आला साहब नाल, वजीर आजम साहब नाल, जे जितनी हो सकती है साड़ी मदद करो, साड़िया लैड बाड़िया कोशिश करो, साड़िया लैड बाड़िया वतन पहुँच जाए, असी उन्हें अच्छी दफना लीजिए। जानी यहाँ पे लोग यकीन है उन बच्चों के जो लीबिया में जहाँ बाक हुए पाकिस्तान से वो इटली जा रहे थे बेहतर मुस्तकबिल के लिए और चारों शादीशुदा हैं और चारों जो हैं वो दोस्त भी थे। तो यहाँ पे वही बात आती है कि इनको जो एजेंट है वो भी मंडी बोलदीन का ही है, उसका बताया जा रहा है कि ये मंडी बोलदीन पहाड़ियाँ वाली के साथ एक जो है गांव है रजोया वहाँ से उसका तल्लुक है। वो इनको जो है वो मिसगाइड भी करता रहा है कि बड़ी शिप में ले जाया जाएगा, ये इनको जो है वो सेफ़ रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये कह रहे हैं कि हमारी 6 तारीख के बाद हमारा जो है वो रब्ता भी बच्चों से नहीं हुआ। तो वो जो मिसगाइड करता रहा वो बताया उसने ये कि ये वहाँ से जो है वो सफ़र जो है वो आसान होगा, लेकिन रास्ते में सैकड़ों की तादाद में जो है वो वहाँ पर नौजवान जो है जहाँ हुए और चार जो नौजवान है इस गांव के नौजवान यहां पे इस वक्त जो पूरा गांव है जो वो इस वक्त सो के आलम में है और यहां पे पूरा गांव उन बच्चों के लिए रो रहा है। ये यहां पे आप पीछे आसपास देख रहे होंगे। तो अभी इनका यही मुतालबा है घूमते वक्त से कि जो हमारा नुकसान होना था वो तो हो चुका है, हमारे बच्चों के साथ इतना जुल्म किया है और पैसों के लालच में और काफ़ी ये बता रहे हैं कि 14 लाख फी बच्चे का वो ले भी चुका है, बाकी एक एक बच्चे का 27 लाख जो है उसने लेना था, तो उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और जो हमारे बच्चों की जो है वो हमारे बच्चों को वो जो मीते हैं वो जो है वो पाकिस्तान पहुँचाई जाए ताकि हम हमारे दिलों को थोड़ी सी जो तसल्ली हो जाए। अब तक इतना ही, रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।